हेलो फ्रेंड्स, आई एम जेमिन बाबसा। मैं आपको आज एल्बम डिज़ाइनिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने कुछ ऐसी एक्शन बनाई है जो बढ़िया काम करती है और बढ़िया आप बहुत ही फास्ट तरीके से एल्बम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। देखिए, अब शुरू करते हैं एल्बम डिज़ाइनिंग। देखिए, मैं फोटोशॉप मैंने पहले से शुरू किया हुआ है और कुछ इस तरीके से मैंने एक डिज़ाइन ली हुई है। और अब मैं आप एल्बम डिज़ाइनिंग की जो मैंने एक्शन बनाई है वो बहुत ही फास्ट है। आप डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हो और वो किस तरीके से काम करती है आप देखिए। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने कुछ फोटोग्राफ ले लिए। ओके, अब मैं शुरू कर रहा हूँ एल्बम डिज़ाइनिंग। पहला फोटो है ये मेरा, मैंने ये सिलेक्ट किया, कॉपी, इसे क्लोज कर दिया। फिर मैं क्या करूँगा, मुझे कहाँ पे रखना है इसे, ये सिलेक्ट करूँगा। ये बॉक्स लिया मैंने, मुझे ये फ़ोटो जो लिया था मुझे यहीं यहाँ पे रखना है, तो मैंने यहाँ एल्बम जो मैंने एक्शन बनाई है उसको उस पर मैं को रखूँगा। इसी एक्शन को क्लिक करके मैं इस पर रखूँगा। देखिए, मेरा फोटोग्राफ यहाँ पे आके फिट हो जाएगा और ये जो लेयर बन रहा है वो कम्प्लीटली स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर बन रहा है। इसका भी एक बेनिफिट है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा जब ये एल्बम पूरा डिजाइनिंग हो जाए उसके बाद। देखिए, अब मैं दूसरा फोटो ले रहा हूँ, कॉपी, इसको मुझे कहाँ पर रखना है ये डिसीजन लूँगा। मैं इसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो मैंने ये एक्शन प्ले की, ये फोटोग्राफ यहाँ पे आ गया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। फिर मैंने दूसरा फोटोग्राफ ये वाला लिया, इसको कॉपी किया, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। फिर मैंने ये बॉक्स क्लिक किया, फिर एक्शन को प्ले किया, ये बॉक्स वहीं पे जाके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट के लेयर के अंदर बन के फिट टू फ्रेम हो जाएगा। और फिर ये वाला भी मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, इसको भी मैंने कॉपी किया, इसको मैं मुझे यहाँ पे रखना है। देखिए यहाँ पे, फिर मैंने फिर एक्शन को प्ले किया, ये वहीं पे जाके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर फिट टू फ्रेम हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा ही ऊपर नीचे करने का हो रहेगा। अब मुझे ये बॉक्स के अंदर फोटो फिट करना है, तो मैंने ये वाला फ़ोटो लिया, ये वाला मैंने नहीं लिया है पहले से, इसलिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब मैं दूसरा कोई फोटोग्राफ, ये वाला मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी किया, इसे भी मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैं ये एक्शन को प्ले कर रहा हूँ, देखिए ये फोटोग्राफ यहाँ पे कम्प्लीटली फिट टू फ्रेम हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ये वाला फोटोग्राफ कहीं पे भी रखना है, चाहे यहाँ पे या यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, मैंने कोई ये फ्रेम नहीं लिए, जो ये मक्की थी इसको मैंने लिया और यहाँ पे जाके मैंने राउंड किया। मैंने इतना सा सिलेक्शन किया और अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया, क्लोज। फिर मैंने ये सिलेक्ट किया। अब मैंने दूसरी एक्शन बनाई हुई है, जो मैंने लिखा है मर्क्यू, यहाँ पे जाके मैं क्लिक करूँगा, तो देखिए आप जहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है वहाँ वहीं पे उतने ही बॉक्स के अंदर फोटोग्राफ आके फिट हो गया। आप कितने अच्छे तरीके से एल्बम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो मैंने आपको पहले बताया था, जो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसका बेनिफिट क्या है। मैंने ये फोटोग्राफ लिया,
उसमें मैं कलर करेक्शन कर रहा हूँ, जैसे कि सब लोग करते हैं। यहाँ पे फिल्टर में जाके कैमरा रो फिल्टर, सब लोग इसके अंदर कलर करेक्शन करते हैं। ये शुरू हो रहा है, देखिए ये मेरा फोटोग्राफ ओपन हो गया। अब मुझको कलर करेक्शन करना है, मैं इसको वाइट बैलेंस करना चाहता हूँ, चाहे या और दो या कोई भी। ओके, मैंने ये किया, थोड़ा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सब हाईलाइट मैंने थोड़ा सा लो किया, सेव थोड़ा सा ओपन किया, अब मैं इसको ओके कर रहा हूँ, ओके कर दिया। अब आप देखेंगे मैंने जो कलर करेक्शन किया हुआ है, चाहे कोई भी हो, मैंने रो फिल्टर के अंदर किया, मैं कोई भी कर रहा हूँ, कंट्रोल भी करके भी कर रहा हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा कंप्लीट भी कर रहा हूँ, ओके, मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा, देखिए, ओके मैं कर रहा हूँ, मैंने ओके किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी मैंने काम किया, यहाँ पे मैं सेव हो रहा है, यहाँ पे सेव हो रहा है। अगर मेरा कलर करेक्शन थोड़ा सा भी इधर उधर है, मैंने इस फाइल को भी मैंने सेव कर दिया अभी, और दो दिन बाद भी मैं इसको ओपन करूंगा और मुझे कोई कुछ भी डिफिकल्टी लग रही है कलर के अंदर या कोई भी के अंदर, तो मैं वापस जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा। ओके, ये वापस वहीं से ही आएगा। आप इसको रीसेट करना चाहते हैं तो आप रीसेट भी कर सकते हैं, जैसा भी करना चाहते हैं, डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट वो वैसे का वैसा ही फोटो वापस हो जाएगा और सेव हो जाएगा। आप डिजाइनिंग करते हैं तो कोई भी इमेज हो उसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ही डिजाइनिंग कीजिए, जिससे आप जब भी कलर करेक्शन करोगे तो आप उसको रीसेट कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट ये भी रहेगा कि आप जब भी फाइल को लार्ज या छोटी, छोटी या बड़ी करेंगे तो उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। उससे क्या होगा, उसकी जो रेजोल्यूशन है वो कम नहीं होगी, वो फोटो वैसे का वैसा ही रहेगा। ओके सर, थैंक यू। आपको अच्छा लगा हो मेरा डिजाइनिंग, मेरे बनाए हुए एक्शन, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।